Okay, so this question was asked in 2016 CSE. Okay, so let us discuss this. This is based on the concept of sphere, moment of sphere in fluid. The space between two concentric spherical shells of radii A and B, B is greater than A, is filled with a liquid of density rho. If the shells are set in motion, the inner one with velocity u, okay, there are these two shells. ठीक है, तो इसमें से जो इनर वन है इसकी रेडियस तो ए है, आउटर की बी है, बिकॉज बी इज ग्रेटर एंड दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी यू इन आई के, बेसिकली इन एक्स डायरेक्शन. आउटर वन विद वेलोसिटी वी वी जे के. ठीक है, देन शो दैट इनिशियल मोशन ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय दिस वेलोसिटी पोटेंशियल. इनिशियल मीन्स टी इक्वल्स टू जीरो पे हमें पूछा है. ठीक है, ये सब टी इक्वल्स टू जीरो पे ही बताया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड फील्ड है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे मान लो अगर कोई पॉइंट लिया जाए, दिस इज लेट अस से दिस दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. यहाँ पे एक रेडियल डायरेक्शन में एक से वेक्टर ड्रॉ किया जाए है. यहाँ मान लो ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है. लेट अस से दिस इज द एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस. ठीक है, देन यहाँ पे जो इस यहाँ अगर इस डायरेक्शन में इस जो इनर शेल है इसकी वेलोसिटी यू है, तो ये यू कोस थीटा होगी. यहाँ पे तो यहाँ जो फ्लूड होगा उसकी वेलोसिटी भी यू कॉस थीटा होगी. सिमिलरली अगर ये वी है यहाँ पे आउटर सेल की, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा. तो यहाँ पे जो फ्लूड है उसकी वेलोसिटी भी वी साइन थीटा होगी. इफ दिस इज थीटा देन दिस इज 90 माइनस थीटा. सो यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, बाउंड्री कंडीशन इज माइनस डेल फाई ओवर डेल आर, मीन्स जो क्यू रेडियल है, वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन, दैट इज माइनस डेल फाई ओवर डेल आर. और ये रेडियस ए है, तो आर इक्वल्स टू ए पे ये क्या गिवन है हमें, आर इक्वल्स टू ए पे दिस इज यू कॉस थीटा. ठीक है, सिमिलरली माइनस डेल फाई ओवर डेल आर एट आर इक्वल्स टू बी दिस इज वी साइन थीटा, दिस इज यू कॉस थीटा, वी साइन थीटा है यहाँ पे. ठीक है, बस ये कंडीशन यूज करनी है, और बिकॉज ये इरोटेशनल फ्लो है. ठीक है, एज फ्लो इज इरोटेशनल. ठीक है, और फर्दर देखो जो इसका मूवमेंट हो रहा है, ये हमने एक्स एज्यूम किया, ये वाई और ये थीटा एंगल है. तो इस मींस जो ये वाई जेड प्लेन है, इसमें जो क्यू ओमेगा होगा वो तो जीरो होगा इसमें भी, इस डायरेक्शन में इसका कोई मूवमेंट है नहीं. ठीक है, सो क्यू ओमेगा इज जीरो एंड फ्लो इज इरोटेशनल, सो डेल स्क्वायर फाई इज जीरो. ठीक है, तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमने डिराइव किया कि दिस इज डेल स्क्वायर फाइव डेल आर स्क्वायर वन बाई आर स्क्वायर डेल स्क्वायर फाइव डेल थीटा स्क्वायर प्लस टू बाई आर डेल फाइव ओवर डेल आर प्लस कोट थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर डेल फाइव ओवर डेल थीटा इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, दिस इज द दिस इक्वेशन इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, अब ये देखो, लेट अस कॉल दिस बाउंड्री कंडीशन वन एंड दिस इज टू. ठीक है, बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन वन विल गिव राइज टू फाइ इक्वल्स टू ए आर प्लस, या वी कैन से फाइ इक्वल्स टू सी वन आर प्लस ए आर प्लस बी बाई आर स्क्वायर कोस थीटा प्लस सी आर प्लस डी बाई आर स्क्वायर साइन थीटा विल गिव राइज टू फाइव इक्वल्स टू दिस टाइप सॉल्यूशन टू इक्वेशन टू. ओके, बिकॉज ये कंडीशन हमारे पास इस टाइप की है, तो जो ये लाप्लास इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म का आएगा. ठीक है, और ये हमने मैंने ये डिस्कस किया था, ये भी डिस्कस किया है कि ये कैसे आता है, ए आर बाई बी आर स्क्वायर आयलर इक्वेशन का यूज करके. ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, सो क्यू आर इज माइनस डेल फाई ओवर डेल आर, तो दिस इज माइनस ए माइनस टू बी बाई आर क्यू कोस थीटा प्लस सी माइनस टू डी बाई आर क्यू साइन थीटा. ठीक है, दिस इज अ वेलोसिटी इन रेडियस रेडियल डायरेक्शन. अब देखो,
एट आर इक्वल्स टू एच जो है वेलोसिटी इज गिवन एज यू कोस थीटा एंड आर इक्वल्स टू बी दिस वेलोसिटी इज गिवन एज वी साइन थीटा। तो इसको पुट किया जाए तो देखो यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए टाइम्स दोनों माइनस ए टाइम्स माइनस टू बी ए क्यूब कोस थीटा, दिस इज यू कोस थीटा राइट, यू कोस थीटा मीन आर इज ए ठीक है, प्लस सी माइनस टू डी डिवाइड बाई आर की जगह ए पुट कर दिया साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा और कोस थीटा के अगर कोफिशियंट दोनों तरफ कंपेयर किया जाए तो यू इक्वल्स टू माइनस ए प्लस टू बी बाई ए क्यूब, और यहाँ से सी इक्वल्स टू टू डी बाई ए क्यूब, क्योंकि साइन थीटा का यहाँ कुछ कोफिशियंट है नहीं तो दिस विल बी जीरो। सिमिलरली ये कंडीशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आर की जगह बी यूज होगा, बस आर की जगह बी हो जाएगा मीन्स टू बी बाई बी क्यूब प्लस माइनस ए यहाँ पे हो जाएगा वी, क्योंकि कोस थीटा जो है नो नो दिस विल बी जीरो, क्योंकि देखो इस केस में क्या होगा यू साइन थीटा इक्वल्स टू करना पड़ेगा ना। सेकंड केस क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए माइनस टू बी बाई बी क्यूब कोस थीटा प्लस सी माइनस टू डी बाई बी क्यूब साइन थीटा, बिकॉज जब रेडियस बी है तो वेलोसिटी वी साइन थीटा है। तो अब देखो कंपेयर करेंगे तो ये देखो सी माइनस ये जो है ए माइनस टू बी बाई बी क्यूब कोस थीटा का इधर है नहीं तो ये जीरो, और सी ये माइनस रहेगा ना यहाँ ठीक है, दिस माइनस इज सबके पहले ठीक है, सो दिस इज माइनस सी प्लस टू डी बाई बी क्यूब दिस इज इक्वल टू व्हाट वी। बस चार इक्वेशन है, चार अननोन है एंड सो चार इक्वेशन से चार अननोन कैन बी सोल्व। तो यहाँ पे देखो एक ही जगह है वी, इफ वी पुट दिस तो यू इक्वल टू टू बी तो आ गया कॉमन 1/a³ माइनस 1/b³, तो यहाँ से वी कैन से दैट टू बी इज इक्वल टू यू टाइम्स a³ b³ डिवाइड बाई b³ माइनस a³ ठीक है। अगर ये आ गया हमारे पास टू बी तो a क्या हो जाएगा, यहाँ से वी कैन से दैट a इज इक्वल टू टू बी डिवाइड बाई b³, सो दिस विल बी यू a³ डिवाइड बाई b³ माइनस a³ ठीक है, और लेट अस कॉल दिस t, या चलो इसको ए ही रहने दो ठीक है, या इसको वी कैन राइट ये जो एक्सप्रेशन है चलो ठीक है, दिस इज ए वी हैव बी, ऐसे ही वी कैन गेट दिस सी की जगह ये पुट करेंगे तो क्या आएगा टू डी तो कॉमन आ गया 1/b³ माइनस 1/a³ इज इक्वल टू वी, तो यहाँ से वी कैन से दैट टू डी इज इक्वल टू वी टाइम्स b³ a³ डिवाइड बाई a³ माइनस b³ ठीक है। तो यहाँ से सी क्या आ जाएगा, सी इज नथिंग बट टू डी बाई ए क्यूब, सो वी बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब ओके। सो अब देखो हमारे पास जो फाई है वो क्या है, सो फाई विच इज फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा ऑफ कोर्स दैट इज ए आर प्लस बी बाई आर स्क्वायर कोस थीटा प्लस सी आर प्लस डी बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, यही है तो वैल्यू पुट कर दो बस एंड वी आर डन। ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू ये है, या देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखो ऐसा कर सकते हैं ए क्यूब, ये जो ए क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब है इसको अगर टी बोल दिया, या इस पूरे टर्म को अगर टी बोल दूं ए ही बोल देते हैं चलो, तो ए आर प्लस बी, बी की जगह व्हाट वी कैन राइट, ये पार्ट तो वैसे भी ए ही है सो बी कैन बी रिटन एज बी क्यूब टाइम्स ए बाई टू आर स्क्वायर कोस थीटा प्लस सी, सी को सी रहने देते हैं एंड डी कैन बी रिटन एज सी ए क्यूब बाई टू ठीक है, और इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई किया जाए। हाँ अब देखो इसमें टू आर स्क्वायर तो देखो थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, अगर यहाँ से देखो यहाँ से ए आर बार ले लिया जाए तो ये क्या आएगा 1 प्लस ए तो गया बार बी क्यूब डिवाइड बाई टू आर क्यूब,
कोस थीटा को यहाँ मतलब कर सकते हैं, प्लस यहाँ से भी सी आर और साइन थीटा पहले से ही बाहर है, सी आर बाहर ले लिया तो 1 प्लस सी ए क्यूब डिवाइड बाई 2 आर क्यूब ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा देखो एक्स क्या था, आर कोस थीटा है एंड वाई इज आर साइन थीटा। भाई ये जो हमने स्पेयर लिए थे इसमें कोई भी एक्स को वाई पॉइंट लेंगे ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस एंगल थीटा है, तो एक्स क्या हो जाएगा आर कोस थीटा एंड वाई इज आर साइन थीटा एट एनी डिस्टेंस आर जो दोनों शेल्स के बीच में ठीक है। बस अब ए और सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा ये आर कोस थीटा को वी कैन राइट एक्स 1 प्लस b³ डिवाइड बाई 2 आर क्यूब प्लस सी साइन आर साइन थीटा कैन बी रिटन एज वाई 1 प्लस c³ डिवाइड बाई 2 आर क्यूब। ये वाई एंड एक्स इसलिए पुट किया क्योंकि जो प्रूव करवाना है हमें उसमें एक्स वाई के टर्म में लिखा है ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू पुट कर दीजा है, वेयर इज ए इज दिस एंड सी इज दिस, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजा है तो ए की जगह क्या आएगा ए क्यूब यू एक्स 1 प्लस b³ डिवाइड बाई 2 आर क्यूब माइनस, देखो क्योंकि इसमें जो सी है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब करना है तो वी बी क्यूब वाई 1 प्लस c³ डिवाइड बाई 2 आर क्यूब। सी तो यहाँ बचा नहीं ठीक है, और डिवाइड बाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब दोनों में कॉमन हो गया है तो दिस इज फाई आर थीटा ठीक है। तो एक्सप्रेशन ही लेंदी है, क्वेश्चन बहुत इजी है ये ठीक है, तो आई होप समझ में आता है ये फाई आ गया। अब हमें वेलोसिटी पूछा है किसी भी पॉइंट जनरल पॉइंट पे, तो वेलोसिटी वी कैन गेट क्यू आर विल बी माइनस डेल फाई ओवर डेल आर ठीक है, और जो क्यू थीटा होगा वो विल बी माइनस डेल फाई ओवर आर डेल थीटा ठीक है। सो क्यू ये तो हमें पहले निकाला हुआ है, इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो ये सब तो कांस्टेंट है इससे नहीं कर सकते, ये दिस फॉर दिस वी हैव टू रिलाई ऑन द एक्सप्रेशन जहाँ पे आर और थीटा में ही सब कुछ है, ये वाले पे ही रिलाई करना पड़ेगा ठीक है। तो इसमें देखो इस पे करते हैं, सो दिस इज ए माइनस बी क्यूब ए टाइम्स आर क्यूब कोस थीटा ठीक है, प्लस सी तो चलो बाहर ले लेते हैं 1 माइनस a³ डिवाइड बाई आर क्यूब साइन थीटा। ओके सो दिस इज वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन, ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए क्या है a³ u डिवाइड बाई b³ माइनस a³, दिस इज 1 माइनस b³ डिवाइड बाई आर क्यूब कोस थीटा माइनस 1 माइनस a³ बाई आर क्यूब साइन थीटा, और सी क्या है v³ बाई b डिवाइड बाई यही, इसको ऐसे कमाइन कर दिया जाए, सो दिस इज क्यू आर ठीक है, पर थ्रू आउट माइनस है सो दिस इज माइनस क्यू आर ठीक है। ऐसे क्यू थीटा निकाला जा सकता है, क्यू थीटा क्या होगा देखो क्यू थीटा या माइनस क्यू थीटा विल बी 1 बाई आर डेल फाई और डेल थीटा, तो इसमें देखो इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये कोस थीटा हो जाएगा ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास अगर क्यू थीटा की बात करें माइनस आर क्यू थीटा की बात करें ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए आर ऐसे ही रहेगा 1 प्लस b³ डिवाइड बाई 2 आर क्यूब भी ऐसे ही रहेगा ठीक है, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस सी आर साइन थीटा हो गया कोस थीटा 1 प्लस a³ डिवाइड बाई 2 आर क्यूब, सो दिस इज क्यू थीटा आर से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, सो क्यू थीटा विल बी माइनस आर से डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो साइन थीटा ए की वैल्यू रख सकते हैं यू क्यू नहीं यू ए क्यू ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस b³ डिवाइड बाई 2 आर क्यूब माइनस सी की वैल्यू, देखो सी की वैल्यू क्या है v³ b कोस थीटा एंड ये ऐसे रहेगा 1 प्लस a³ डिवाइड बाई 2 आर क्यूब डिवाइड बाई b³ माइनस ए क्यूब। ओके सो दिस इज क्यू आर इन क्यू थीटा, सो वेलोसिटी विल बी दिस इन थीटा, थीटा डायरेक्शन विल बी दिस एंड आर डायरेक्शन विल बी दिस और ओमेगा डायरेक्शन में तो जीरो है।
ओके, लेट अस डू दिस क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वी जस्ट डिस्कस्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीमिंग पास्ट ए स्क्वेयर. ठीक है, सो देखो इसमें एन इनफाइनाइट फ्लूड इज स्ट्रीमिंग पास्ट ए स्क्वेयर ऑफ रेडियस ए विद वेलोसिटी यू. द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज यू विच इज कॉन्स्टेंट. इफ प्रेशर एट इन्फिनिटी इज पाई, सो दे थ्रस्ट ऑन द हाफ ऑफ स्क्वेयर बाय दिस स्ट्रीम. ऐसे स्पेयर है, रेडियस ए का रखा हुआ है, ऐसे स्ट्रीम पास हो रही है ऐसे. ठीक है, इसकी वजह से डिस्टर्ब होगी. ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि इसकी वजह से जो यहाँ पे ये जो हाफ स्पेयर है इस पे जो थ्रस्ट लग रहा है उसकी वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो देखो ये हमने डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस दिस दैट वेलोसिटी पोटेंशियल ड्यू टू स्ट्रीम ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू पासिंग पास्ट अ स्फीयर. दिस इज गिवन बाई यू आर प्लस यू ए क्यूब डिवाइड बाई टू आर स्क्वायर कॉस थीटा. ठीक है, ये जस्ट डिस्कस किया है, यू मे रेफर टू दैट पार्ट अगर इश्यू है तो. ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारे पास, तो अब तो कुछ ज़्यादा इश्यू है नहीं. ये स्फीयर ऐसे रखा हुआ है, इस टाइप से स्ट्रीम जो है ऐसे पास हो रही है, इस टाइप से ऐसे जा रही होगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जो प्रेशर होता है वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में लगता है. ठीक है, जैसे मान लो इस टाइप से स्ट्रीम पास हो रही है. अच्छा, ये जो ड्राइव किया था हमने, ये किसके लिए ड्राइव किया था? स्ट्रीम की डायरेक्शन नेगेटिव जे माइनस यू के कैप टी, तो वैसे ही ले लेते हैं, ऐसे स्ट्रीम आ रही है. ठीक है, तो देखो जो प्रेशर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर तो इसकी रेडियस हो गई, रेडियस की डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ पे एक प्रेशर पी लग रहा होगा. ठीक है, और इस डायरेक्शन में मान लो ये थीटा है, लेट अस से दैट दिस इज एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस, कोई भी मान लेते हैं, चलो एक्स एक्सिस है. इसके अलोंग जो है स्ट्रीम पास हो रही है विद वेलोसिटी यू, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यू कोस थीटा. ठीक है, और प्रेशर देखो, अगर ये प्रेशर ये है तो एक्स डायरेक्शन में प्रेशर क्या हो जाएगा, पी कोस थीटा. आई होप समझ में आता है. ठीक है, तो हमें सिर्फ ये जो हाफ पार्ट है इस पे ये जो प्रेशर लगेगा, ये जो एक्स डायरेक्शन जो प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू चाहिए, थ्रस्ट चाहिए बेसिकली हमें, थ्रस्ट नॉट प्रेशर, थ्रस्ट चाहिए. तो इस ये जो ऑफकोर्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो लग रहा होगा वो थ्रस्ट चाहिए हमें. ठीक है, तो देखो अगर फाई है तो इससे वी कैन गेट द रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, माइनस डेल फाई ओवर डेल आर एट आर इक्वल्स टू ए. यहाँ पे ही लग रहा है थ्रस्ट जो प्रेशर है, सो माइनस डेल फाई ओवर डेल आर करेंगे तो क्या आएगा, यू माइनस यू ए क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब कोस थीटा एट आर इक्वल्स टू ए. अब देखो इसमें आर को ए पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू माइनस यू जीरो हो जाएगा, मीन्स रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी जीरो यहाँ पे इस पॉइंट पे. ठीक है, ऐसे ही क्यू थीटा अगर देखा जाए, क्यू थीटा क्या होगा, माइनस वन बाई आर डेल फाई डेल थीटा, सो दिस इज माइनस वन बाई आर डेल फाई और डेल थीटा क्या है, यू आर प्लस यू ए क्यू डिवाइड बाई टू आर स्क्वायर कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया प्लस. ठीक है, और एट आर इक्वल्स टू ए, तो अगर आर को ए पुट किया जाए इसमें तो ये क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू, वन प्लस हाफ इज थ्री बाई टू साइन थीटा. ठीक है, और ऐसे ही गया ऐसे ही, तो दिस इज क्यू थीटा. ठीक है, आई होप ये समझ में आता है. क्यू थीटा इज माइनस फाइव हमारे पास ये था, सो टेल थीटा करेंगे सो ऐसे माइनस साइन थीटा हो जाएगा, सो माइनस प्लस हो गया वन बाई आर. ठीक है, आई होप समझ में आता है. सो दिस इज क्यू थीटा, तो इसमें जो वेलोसिटी है वो हमारे पास सिर्फ क्यू डायरेक्शन में है, थीटा डायरेक्शन में है. ठीक है, अब देखो बर्नौलीज इक्वेशन अगर अप्लाई करें, बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, पी प्लस पी बाई रो प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू प्लस कंजर्वेटिव फोर्स. तो इस कुछ फोर्स जो है उसकी वजह से जो पोटेंशियल फोर्स पोटेंशियल वो तो इसमें है नहीं, दिस शुड बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, रो भी कॉन्स्टेंट है इसमें, तो देखो अच्छा इसका मतलब ये क्या हो गया कि p बाई रो प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू शुड बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब देखो
और वेन आर टेंस टू इन्फिनिटी जो प्रेशर है वो तो पाई है, ठीक है, और वेलोसिटी तो स्ट्रीम की कांस्टेंट है, यू ही है, ठीक है। सो देखो, अगर ये वैल्यूज पुट की जाए, सो पाई डिवाइड बाय रो प्लस यू स्क्वायर बाय टू, और जो है एट आर इक्वल्स टू ए पे जो है क्यू क्या है, जो क्यू थीटा है वही है, ठीक है, क्योंकि क्यू आर तो जीरो है। सो दिस इज यहाँ पे प्रेशर लेटर से पाई है प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू, तो क्यू क्यू स्क्वायर मीन्स 9/4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। बाई टू, ठीक है, सो जस्ट वैल्यूज पुट किए हैं हमने, तो देखो प्रेशर एट आर इक्वल्स टू ए क्या हो रहा है हमारे पास, इससे पाई रो से मल्टीप्लाई करते हैं, या पाई बाय रो प्लस यू स्क्वायर बाय टू माइनस 9/8 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय रो, ठीक है। सो दिस इज पाई प्लस रो यू स्क्वायर बाय टू माइनस 9/8 रो साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द प्रेशर एट आर इक्वल्स टू ए, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे यू का टर्म भी है भाई, जो ये है क्यू थीटा जो हमने निकाला, यहाँ पे यू का टर्म भी तो है साथ में, ठीक है। अब देखो, अभी हमें पूछा जा रहा है थ्रस्ट जो हाफ स्फीयर पे लग रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, ये एलिमेंट हो गया। सो ये जो एलिमेंट है इसकी विड्थ ये ए डी थीटा, अब इसको अगर रिवॉल्व किया जाए इस एक्सिस के अबाउट, तो ऐसे एक रिंग बन जाएगी, ये रिंग बनेगी, ठीक है। सो इसको रिवॉल्व कर दिया ऐसे, ठीक है, सो ये रिंग बन गई जिसकी ये रेडियस है, रेडियस क्या हो गई, ए साइन थीटा। अब इसको अगर ओपन किया जाए तो इस टाइप से ओपन होगा कुछ, ये जो विड्थ है ये तो ए डी थीटा है, और ये जो लेंथ हो गई इसको अगर ओपन किया जाए तो ये पूरी सर्कमफ्रेंस दैट इज 2π इंटू रेडियस दैट इज ए साइन थीटा। तो अगर इसके एरिया की बात की जाए तो क्या आएगा, 2π ए साइन थीटा इंटू ए डी थीटा, तो 2π ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये इसका एरिया हो गया। अब देखो इसकी रेडियल डायरेक्शन में प्रेशर पी लग रहा है, ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में इस पर प्रेशर क्या लगेगा, पी कोस थीटा, ठीक है। सो थ्रस्ट क्या हो जाएगा इस पे, थ्रस्ट जो होगा इस एलिमेंट पे इस डायरेक्शन में लगेगा, तो थ्रस्ट विल बी पी कोस थीटा इंटू इसका एरिया दैट इज 2π ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो ये थीटा जो है जीरो से लेके पाई बाई टू तक जाएगा, पाई पाई तक नहीं जाएगा बिकॉज हाफ स्फीयर पे ही पूछा है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर थीटा पे पूरा सर्कल कवर हो रहा है, मीन्स ये पूरी बाउंड्री कवर हो जा रही है सर्कल की, दैट्स व्हाई फ्रॉम जब जीरो से पाई बाई टू आएंगे तो पूरा हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा, ठीक है। बस अब वैल्यू रख देनी है, पी की वैल्यू ये है हमारे पास, तो पी की वैल्यू क्या है, पाई प्लस रो यू स्क्वायर बाई टू माइनस रो यू स्क्वायर 9/8 साइन स्क्वायर थीटा, ये पी हो गया, इंटू कोस थीटा भी करना है इसको, कोस थीटा साइन थीटा, तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए कोस थीटा साइन थीटा से, कोस थीटा साइन थीटा मीन्स साइन टू थीटा बोल सकते हैं ना, साइन टू थीटा, सो दिस विल बी पाई मल्टीप्लाई बाय साइन टू थीटा, इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा टू से, तब जाके तो ये साइन टू थीटा हो, तो 1/2 वी कैन टेक आउट यहाँ पे साइन टू थीटा, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन थीटा तो साइन क्यू थीटा हो गया और कोस थीटा ऐसे रख दो, और टू इधर तो यहाँ हो गया 4, ठीक है, दिस इज टी थीटा। आई होप ये समझ में आता है, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 तक, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, देखो साइन टू थीटा का करेंगे अगर, 0 से π/2 साइन टू थीटा डी थीटा क्या होता है, टू थीटा को बोल दो टी, सो 0 से π साइन टी डी टी बाई टू, सो दिस इज हाफ, और 0 से π इंटू टू, सो दिस इज 1, ठीक है, सो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, सो हाफ पाई साइन टू थीटा इज 1 प्लस रो यू स्क्वायर बाई टू साइन टू थीटा इज 1 माइनस 9/4 रो यू स्क्वायर। देखो अभी इसमें साइन थीटा को अगर टी बोलेंगे तो टी क्यूब कोस थीटा डी टी में चला जाएगा, सो दिस इज 1/4, ठीक है, 1/4
ओके सो बस हो गया ये। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया जा सकता है, 1/2 पाई प्लस वन बाई टू ठीक है, पाई प्लस, अब देखो इसमें देखो, अच्छा मल्टीप्लाई बाई 2 पाई a² भी है थ्रू आउट, 2 पाई a² भी तो है, तो इंटू 2 पाई a² ठीक है। अब देखो 2 पाई a², अब इसमें क्या कर सकते हैं, 1/2 माइनस 9/16, सो दिस इज 8 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, सो दिस इज -1/16, तो ये हो जाएगा -(√u²)/16 ठीक है। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई पाई ए स्क्वायर तो बाहर है और अंदर भी पाई है। ओके दिस इज रियल पाई और ये प्रेशर वाला पाई है एक, तो इसको लेट अस से पी इन्फिनिटी लिख देते हैं कन्फ्यूजन हटाने के लिए, पी इन्फिनिटी -(√u²)/16, सो दिस इज वॉट वी नीड, ये हमारा थ्रस्ट है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, यही प्रूव करना था आई गेस, पाई स्क्वायर पाई -(√a), ठीक है, सो दिस इज वॉट वी नीडेड, ठीक है। सो इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या था कि बस इसमें ये एक्स डायरेक्शन में देखना था, थ्रस्ट तभी लगेगा ना, ठीक है, और प्रेशर रेडियल डायरेक्शन में लगेगा हमेशा, नॉर्मल टू द सरफेस, सो नॉर्मल मीन्स रेडियल डायरेक्शन हो गया। आई होप समझ में आता है।